हमारी अर्थव्यवस्था डिजास्टर की तरफ बढ़ रही थी। हमारी सरकार ने न सिर्फ इसे रोका है बल्कि अर्थव्यवस्था में डिसिप्लिन लाने का भरसक प्रयास किया है। भारत की अर्थव्यवस्था तय नियमों से चले, तय लक्ष्यों की तरफ बढ़े, इसके लिए हमने व्यवस्था में आधारभूत परिवर्तन किए हैं, चौतरफा फैसले लिए हैं, उद्योग जगत की दशकों पुरानी मांगों को पूरा करने पर ध्यान दिया है और इसलिए आज $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लिए एक मजबूत आधार बना है। हमने अर्थव्यवस्था के ज्यादातर आयामों को फॉर्मल व्यवस्था में लाने का प्रयास किया है। इसके साथ ही हम अर्थव्यवस्था को आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मॉडर्नाइज और स्पीड अप करने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। आज भारत दुनिया के उन टॉप 10 देशों में शामिल है जिसने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में पिछले 3 वर्षों में लगातार सबसे अच्छा सुधार किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहने में 4 शब्द हैं, लेकिन इस रैंकिंग में बदलाव तब होता है जब दिन रात लक्ष्य तय करना, रोडमैप तय करना, मॉनिटरिंग करना, फॉलोअप करना, कानून बदलना, नियम बदलना, अफसरों को ट्रेन करना, यानी बहुत कुछ करना पड़ता है। जमीनी स्तर पर जाकर नीतियों में, नियमों में बदलाव होता है।